नमस्कार, मैं विक्रांत वर्मा एग्री किंग ट्रैक्टर से आज किसान भाइयों को एग्री किंग ट्रैक्टर मॉडल 2055 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें डबल क्लच इस्तेमाल किया गया है, एक है मेन क्लच जो फुट ऑपरेटेड है, एक पीटीओ क्लच हैंड ऑपरेटेड है। इसका गियर बॉक्स जो है सिंक्रोमस टाइप गियर बॉक्स है, जिस प्रकार से हम कारों में आरामदायक इजी शिफ्टिंग करते हैं उसी प्रकार से। इस कंपेटिबल गियर बॉक्स से हमें 24 स्पीड्स मिलती हैं, जिसमें से 16 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स की हैं। इसकी मिनिमम स्पीड जो है इस गियर बॉक्स से मिलती है हमें, वो 1.9 से लेकर 33.7 तक की है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें गियर बॉक्स में दो लीवर फिट किए गए हैं। इसमें पहला जो लीवर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 का है, और जो आपके लेफ्ट साइड में है वो है आर। आर मीन्स रिवर्स, वी एन मीन्स हाई स्पीड, और वी एस मीन्स स्लो स्पीड। और इन दोनों को सिलेक्ट करने पर, और इसके साथ में ही हमें एक आरटी में रियर ट्रांसमिशन में भी लीवर दिया गया है, जिस पे आप देख सकते हैं, ये इसको हम हाई लो के नाम से बोलते हैं। इन तीनों लीवर्स की सहायता से, तीनों लीवर को सिलेक्ट करने से ही हमारा ट्रैक्टर जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगा। और इसी प्रकार हमें इन तीनों लीवर की सहायता से ही 24 स्पीड्स मिलेंगी। और जो इसके अंदर की साइड में गियर्स यूज किए गए हैं, वो सभी हेलिकल गियर्स हैं, जिससे हमें टॉर्क और खिंचाई में बड़ा फायदा मिलता है। और इसके जो सिंक्रोनाइजर्स हैं वो ग्रेजियनो कंपनी से हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसके गियर बॉक्स में दो लीवर फिट किए गए हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। और लेफ्ट साइड में आप देखिए जरा आर, वी एस, वी एन। इसमें आर का मतलब है रिवर्स, वी एन है आपका हाई स्पीड, और वी एस है जो है वो स्लो स्पीड है। और इसी प्रकार से अगर आप देखें रियर ट्रांसमिशन में, हमारे पास एक हाई लो लीवर, इसको हम हाई लो लीवर बोलते हैं। इन तीनों लीवर की सहायता से ही, जब हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तभी हमारा जो ट्रैक्टर है वो रनिंग कंडीशन में आएगा, जिससे हम आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें 24 स्पीड्स मिलती हैं। इसके जो अंदर की साइड गियर यूज किए गए हैं, वो सभी हेलिकल गियर्स हैं। और अगर हम देखें, इसके गियर बॉक्स से हमें दो पीटीओ की ड्यूल स्पीड्स भी मिलती हैं, वो जो है 540 एवं 1000। इस लीवर के थ्रू हम 540 और 1000 पीटीओ के आरपीएम ले सकते हैं। इसमें जो हाइड्रोलिक यूज की गई है, ये हमारी बोस टाइप हाइड्रोलिक है। इसमें जो कंट्रोल वाल्व है, सिंगल एक्टिंग वाल्व है, ये सभी बॉश का है। ये ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल, इसको हम हाइड्रोलिक को कह देते हैं। इसमें हमारे पास एक लीवर है जो है एनटीएल। एनटीएल एन मींस जो हमारा है नॉर्मल है, ये हमें लेवलिंग के टाइम पे सेंसिंग, जिसमें मतलब ज़्यादा मिलती है, वो हमें एन पोजीशन पे मिलती है। और टी जो है वो डेप्थ कंट्रोल के लिए है। एल जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो क्षमता है, हाइड्रोलिक की जो क्षमता है, वो हमारे पास 1800 केजी तक की है। और इसका जो रिपेयर करने का सिस्टम भी है, वो सभी बाहरी साइड पे है। अगर हम देखें तो इसका कंट्रोल वाल्व भी बाहर वाली साइड है, रिस्पांस वाल्व भी बाहर वाली साइड है, कुछ भी सेटिंग है वो सभी बाहर वाली साइड है। इसमें जो हाइड्रोलिक इस्तेमाल किया गया है, ये बॉश टाइप है। इस हाइड्रोलिक को ऑपरेट करने के लिए इसमें तीन लीवर लगे हैं। इसमें जो पहला लीवर है, ये मेन लीवर है, और इसके साथ जो दूसरा लीवर लगा है, ये टिपिंग ट्रॉली का है। ये सिंगल एक्टिंग वॉल्व की तरह काम करता है। और ये जो तीसरा लीवर देख रहे हो आप, ये एनटीएल के नाम से है। इसमें जो एन पोजीशन है, बेसिकली वो हमें मैक्सिमम सेंसिंग देती है। और जो टी पोजीशन है, इसमें हमें मिनिमम सेंसिंग मिलेगी, और इसमें हमें हार्ड सॉइल में ये जो टी पोजीशन है वो काम करती है। एल पोजीशन जो है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए है। इसमें अगर हमें कोई इम्प्लीमेंट अटैच करना हो, तो उस समय हमें इसका जो पोजीशन है लीवर का, वो एल पोजीशन पर रखना पड़ेगा। और इसकी जो हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है,
वो 1800 केजी की है और इसे इसमें एक जिस प्रकार से आप सब इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो किर्लोस्कर पुणे का इंजन है और इसका जो मॉडल नेम है वो है 3R1040। इट मींस कि जो ये 3 सिलेंडर और 3120 सीसी का इंजन है और ये वाटर कूल्ड इंजन है और इसमें जो एयर क्लीनर है वो हम दोनों तरह की यूज कर सकते हैं, ऑयल बाथ और ड्राई टाइप। यह इसका डिफरेंशियल है, साथ में जो ब्रेक्स इसमें यूज की गई हैं वो ऑयल इमर्ज्ड है और रिडक्शन के लिए स्पेशल इसमें जो है वो प्लेंट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिससे हमारे ट्रैक्टर की टायर वियर जो स्लिपेज है वो भी कम हो जाती है और टायर वियर भी कम होता है। ये इसका रियर ट्रांसमिशन है और इसको हम डिफरेंशियल भी कहते हैं। इसकी जो ब्रेक्स हैं वो ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक्स हैं और इसके साथ में आप देख रहे हैं ये हम इसमें जो रिडक्शन के लिए स्पेशल प्लेंट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी खेतों में स्लिपेज जो है, टायर स्लिपेज जो है बहुत ही कम हो जाती है और टॉर्क इसकी बढ़ जाती है, खिंचाई इसकी बढ़ जाती है। ये इसका रियर ट्रांसमिशन है जिसको हम डिफरेंशियल कहते हैं और इसमें जो ब्रेक्स यूज की गई हैं वो ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक्स हैं और स्पेशल इसमें जो रिडक्शन के लिए प्लेंट्री सिस्टम यूज किया गया है जिससे हमारे ट्रैक्टर की टायर स्लिपेज जो है बहुत ही कम हो जाती है। इसमें पावर स्टीयरिंग यूज किया गया है जो चलाने में बहुत ही आरामदायक है और जो इसकी ऑपरेटर सीट है ये भी बहुत ही कंफर्टेबल है। इस ट्रैक्टर में जो टायर साइज यूज किए गए हैं उसमें फ्रंट का जो साइज है वो है 750/16 और जो रेयर टायर का साइज है वो है 1498। इसमें जो अल्टरनेटर है वो बॉश का इस्तेमाल किया गया है और जो बैटरी है वो हमारी एमरॉन की है। इस ट्रैक्टर में और भी कई ऑप्शनल फीचर्स हैं जो इसको और बेहतर बना रहे हैं, जैसे कि डिफरेंशियल लॉक, रियर ट्रांसमिशन में रिवर्स पीटीओ, साइड शिफ्ट, फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल। इस एग्रीकिंग ट्रैक्टर 2055 में जो ऑयल यूज किए जा रहे हैं उसमें इंजन का जो ऑयल ग्रेड है वो है 20W40 और जो ट्रांसमिशन में हम यूज कर रहे हैं वो है EP80 और जो हम हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं वो है 46 नंबर। एग्रीकिंग ट्रैक्टर मॉडल 2055 में जो ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें इंजन ऑयल का जो ग्रेड है वो है 20W40 और जो ट्रांसमिशन का है वो है EP80 और हाइड्रोलिक और स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो कॉमन है उसमें 46 नंबर है और जो इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 50 लीटर की है।